हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले डेल्टा कॉर्प लिमिटेड से स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे को 85 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 120 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में एक टॉप बना तो 150 रुपीज का 150 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है जहां पर स्टॉक में एक नीचे का लो बना चुका है 117 रुपीज का। 117 रुपीज का स्टॉक के अंदर एक बॉटम बन चुका है क्योंकि स्टॉक में पहले तो स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल हुआ करता था वो 123 रुपीज के करीब बनता, पर जैसे ही स्टॉक ने उस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया गया स्टॉक में अब नया बॉटम बन चुका है 117 रुपीज का। ऊपर में स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 127 रुपीज। अब स्टॉक देखें तो काफी टाइम से एक रेंज कोण में ट्रेड कर रहा है जहां पर इस प्राइस ऊपर में 127 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहेगा और नीचे का स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल है 117 रुपीज इस प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं दे पा रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 117 रुपीज का नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट अराउंड 135 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। पर जब तक स्टॉक 127 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता स्टॉक के अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।